ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप को एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस के मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप सभी को बस करना है क्या गाइस, आप लोगों को जो बस वीडियो को ध्यान से देखना है। एंड गाइस बस आप लोगों को जो भी मैं स्टेप बताऊंगा आपको उसको ध्यान से देखना है, एंड उसके बाद आपको जाके अपनी फोटो को एडिट करना है, ठीक है। तो बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन आप सभी को करना है आपको जाना है ऐड फोटो मैन का, जहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। एंड गाइस जो मॉडल का बैकग्राउंड है ना वो मैंने पहले से इरेज कर रखा ताकि जो आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, एंड आपको जो मेन टॉपिक है हमारा वीडियो में जो सिखाने का वो मैं आपको जल्दी से सिखा सकूँ। तो गाइस अगर किसी को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको वीडियो की लिंक मिल जाएगी तीन चार, ठीक है। और आप में से जो भी भाई देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहाँ पे आप जाके कोई से भी लिंक पे क्लिक करना, मतलब बैकग्राउंड वाली पे, एंड आशा आप वीडियो को देख के आप अपने बैकग्राउंड इरेज करना सीख लेना, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस जो आपका मॉडल होगा ना गाइस उसका जो हाइट है आपको यहाँ पे आपने मतलब अपने अंदाजे से लगाना है कि आप जब अगर पीछे बैठोगे अगर इन मैडम के तो आपके जो हाइट है वो कितनी होगी, ठीक है। आपको जैसे अंदाजा लगाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे हिम्मत भाई के ऊपर लगाया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे करने के बाद इरेजर टूल में जाना है। उसके बाद जो आपको जो एरिया है इसको इरेज करना है जो फ्रंट में आ रहा है, क्योंकि हमें तो भाई अपना मॉडल बैक साइड में पहुँचाना है ना, तो फ्रंट का एरिया तो इरेज करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा फटाफट करता हूँ एंड फिर मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप जब तक म्यूजिक को एंजॉय करो। सो गाइस देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने जो यहाँ पे हमने मॉडल जो लगा दिया है, तो गाइस आपको मैं पहले आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें जो है थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी, जैसे कि गाइस हम जाएंगे ऐसे एडजस्ट में, एंड जैसे कि हमारा जो मॉडल है उसमें थोड़ी सी जो मतलब सैचुरेशन वगैरह वो कम है मतलब मैडम के हिसाब से, तो उसके लिए करेंगे हम यहाँ पे अभी फोटो को डन करते हैं, चलते हैं हम टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाना आपको एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे मिलेगा सैचुरेशन वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इसको प्लस करना है। देन उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है आप सभी को, फिर ब्रश को लेने के बाद जो आपको अपने फेस के ऊपर यानी कि अपने आपका जो मॉडल होगा उसके ऊपर आपको ऐसे पेंट करना है, ठीक है। तो कुछ मतलब कि जो मैडम हमारी जो आप फोटो में आपको दिख रही होंगी आपको उस टाइप से दिखाना है। तो आपको इस टाइप से दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐसे मतलब कि अपनी बॉडी के ऊपर पेंट करना है, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है ये ज़्यादा या कम तो आप उसको जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो नीचे की साइड में आपको एक टेम्परेचर करके भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अगर यहाँ से अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो अब इसको हम यहाँ पे डन कर लेते हैं। अब गाइस हमारा पिक्सआर्ट का जो काम यहाँ पे खत्म होता था, अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे एंड इसको लेके चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में गाइस हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा था, हम डायरेक्ट जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में। हम जो पहले इसका क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम यहाँ पे कम करेंगे, सैचुरेशन को हाईलाइट को जिसको कम करेंगे, शैडो है जिसको बढ़ा देंगे, एंड जो व्हाइट है इसको कम कर देंगे, एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देंगे। फिर इसके बाद आपको जाएंगे हम कहाँ ले जाएंगे कलर्स में, फिर यहाँ पे हम वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए। फिर जाएंगे मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस करेंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है येलो कलर में, आपको इसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करना है, एंड उसके बाद जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको इसका भी थोड़ा सैचुरेशन माइनस कर देना, एंड कर देना आप सभी को डन। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, गाइस नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जाना है इस वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जब वीगनेस डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे मिलेगा आपको ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस आप सभी को इंक्रीज करनी है, फोटो में नोड रिडक्शन आपको बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।